गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी शुरू हुई, 23 रन के स्कोर पर कोलकाता की टीम का पहला विकेट गिरा। नारायण जगदीशन 15 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके लगाए। समी ने उन्हें विकेटों के सामने फंसाया। 47 रन के स्कोर पर कोलकाता नाइट राइडर्स का दूसरा विकेट गिरा। शार्दुल ठाकुर ने 4 गेंदों का सामना किया लेकिन अपना खाता नहीं खोल सके। मोहम्मद समी ने उन्हें मोहित शर्मा के हाथों कैच कराया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पावर प्ले में 2 विकेट गंवाकर 62 रन बना लिए। रहमुल्ला गुरवाज ने 27 गेंदों में अपना 8 शतक पूरा कर लिया। 84 रन के स्कोर पर कोलकाता नाइट राइडर्स का तीसरा विकेट गिरा। वेंकटेश अय्यर 14 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। जोसगुसा डिटिल ने उन्हें विकेटों के सामने फंसाया। 88 रन के स्कोर पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 विकेट गंवा दिए। 4 विकेट के नुकसान पर कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 100 रन के पार जा चुका था। 135 रन के स्कोर पर कोलकाता की आधी टीम पवेलियन लौट गई। नूर अहमद ने रहमुल्ला गुरवाज को आउट कर कोलकाता को 5वां झटका दिया। गुरवाज ने 39 गेंदों में 81 रन बनाए। उनकी पारी में 7 छक्के और 5 चौके शामिल थे। राशिद खान ने उन्हें उनका कैच पकड़ा। 5 विकेट के नुकसान पर कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 150 रन के पार जा चुका था। 156 रन के स्कोर पर कोलकाता को छठा झटका लगा। रिंकू सिंह 20 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। नूर अहमद ने उन्हें जोसुसा लिटिल के हाथों कैच कराया। रिंकू अपनी पारी में सिर्फ 1 छक्का लगा सके। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहली बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस के सामने 180 रन का लक्ष्य रखा। 180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी शुरू हुई। 41 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटंस का पहला विकेट गिरा। रिद्धिमान शाह 10 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। आंद्रे रसल ने उन्हें हर्षित राणा के हाथों कैच कराया। 1 विकेट के नुकसान पर गुजरात का स्कोर 50 रन के पार जा चुका था। हार्दिक पांडे और शुभम गिल के बीच 8 शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। 51 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटंस का दूसरा विकेट गिरा। कप्तान हार्दिक पांड्या 20 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। हर्षित राणा ने उन्हें विकेट के सामने फंसाया। हार्दिक ने अपनी पारी में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। 93 रन के स्कोर पर गुजरात का तीसरा विकेट गिरा। सुमन गिल 35 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके लगाए और सुनील नारायण ने उन्हें आंद्रे रसल के हाथों कैच कराया। 3 विकेट के नुकसान पर गुजरात का स्कोर 100 रन के पार जा चुका था। गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया।